गुड इवनिंग दोस्तों, मैं डॉक्टर आर के मुदगिल। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं सॉरी कहना चाहूँगा अपने उन दोस्तों को जिनका आज किसी भी वजह से मैं फ़ोन पिक नहीं कर पाया, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा वैसे बिज़ी था, कुछ प्रोफेशनल कमिटमेंट भी थे, कुछ पर्सनल कमिटमेंट भी थे, उन सब के बीच शायद ऐसा हुआ, मुझसे गलती हुई। और साथ ही साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने उन तमाम दोस्तों का जिन्होंने आज का मेरा ये दिन इतना स्पेशल बनाया, क्योंकि आज मुझे काफ़ी सारे सीनियर्स फिजियोथेरेपिस्टों से आशीर्वाद मिला, काफ़ी जूनियर से प्यार मिला और काफ़ी साथियों का सहयोग जो कि हमेशा मिलता रहता है, आज फिर से मिला। सब ने मेरे बारे में इतना अच्छा, इतना पता नहीं मुझे मतलब क्या क्या संज्ञाएँ दी, क्या क्या अलंकार दिए, मतलब मैं सच कहूँ तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं। किसी एक का नाम क्या लूँ दोस्तों, आप सब ने ही मुझे मतलब ज़मीन से उठाकर आसमान पर रख दिया है। आज किसी ने मुझे हरियाणा का शेर बताया, किसी ने मुझे द काउंसिल फिजियो बताया, किसी ने मुझे कहा कि मेरी स्माइल बड़ी अच्छी है, किसी ने कहा कि आई एम ऑलवेज डेडिकेटेड टू आर प्रोफेशन। तो दोस्तों, अगर एक का भी नाम लें तो शायद ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी अगर मैं ऐसे नाम गिनवाऊंगा। तो नाम तो क्या लूं, और स्पेशली सेंथिल सर का मैं ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा कि उन्होंने तो पूरा न्यूज़पेपर ही निकाल दिया क्योंकि हमेशा ये रिसर्च ओरिएंटेड थॉट्स जो हैं वो उन्हीं के थ्रू हो सकते हैं। हम लोग तो इतना सोच भी नहीं पाते जितना वो कर देते हैं। और बाकी और भी काफ़ी मेरे सीनियर्स ने मेरे बारे में बड़ा अच्छा अच्छा लिखा है, बहुत खुशी होती है, बड़ा अच्छा लगता है। और यही आप सबका जो एटीट्यूड है, आप सबका जो ये प्यार, स्नेह, आशीर्वाद, यही मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और कुछ करने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, अपना ये प्यार, ये आशीर्वाद, ये स्नेह यूं ही बनाए रखें। बड़ा अच्छा लगता है जब वो सीनियर्स आशीर्वाद देते हैं जिनके हाथ में आज ये फिजियोथेरेपी, इंडियन फिजियोथेरेपी की नैया की ये कहो के पतवार है। साथ ही साथ जब वो बच्चे, मेरे युवा साथी, जब मुझे प्यार करते हैं, मुझसे बातें करते हैं, मुझे विशेष भेज रहे हैं, जिनके हाथों में वो ताकत धीरे धीरे बढ़ रही है, जिन्होंने आगे चल के इस पतवार को संभालना है, तो दोस्तों बड़ा अच्छा लगता है। इतने विशाल परिवार का मेंबर बन के बड़ी खुशी होती है। मैं तो एक हरियाणा के छोटे से शहर में पैदा हुआ था, लेकिन आज पूरे इंडिया से मुझे जो प्यार मिल रहा है, भारत के हर कोने से मुझे विशेष आ रही हैं, चाहे वो मैसेज के थ्रू हों, चाहे वो कॉल के थ्रू हों, तो ये सब आपका प्यार है। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ दोस्तों, मैं तो एक दिया हूँ, इस दिए की रोशनी आप सब हैं। बस यही आशा और यही उम्मीद करता हूँ कि इस रोशनी को सदा यूं ही बनाए रखें। सीनियर से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपना आशीर्वाद मुझे देते रहें, जूनियर से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि ये प्यार, ये स्नेह, ये रिस्पेक्ट हमेशा बनाए रखें, और युवा दोस्तों से जो मेरे हम उम्र मेरे साथी हैं उनसे भी एक रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से आज तक वो मेरा साथ देते आए हैं आगे भी देते रहें। अगर लगता है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं तो मुझे रोकें, अगर लगता है कि मैं सही कर रहा हूं तो मेरा साथ दें, मेरे साथ चलें। बाकी एक बार फिर से पहले तो माफ़ी उन सब से जिनका किसी भी कारणवश आज मैं रिप्लाई नहीं कर पाया, और दूसरा धन्यवाद जो कि शायद शब्दों में दिया ही नहीं जा सकता क्योंकि इतना प्यार आप लोगों ने मुझे दिया है। लेकिन फिर भी एक छोटी सी कोशिश मेरी तरफ से कि मैं अपने उन सभी दोस्तों को थैंक्स बोलूं अपने दिल से। दोस्तों, अक्सर मेरे बारे में फेमस है कि मैं वीडियो बना के ज़्यादा डाल देता हूं, बट क्या करूं, शब्द बहुत हैं, अगर लिखने बैठा तो शायद पूरा फेसबुक भर दूंगा, तो वो मुझे घबराहट हो जाती है कई बार, क्योंकि इतना ज़्यादा लिखना भी ठीक नहीं। तो कोई नहीं, आई कॉन्टैक्ट होता है, आमने सामने बैठ के बात होती है, तो इस वीडियो के थ्रू ही सही। एक बार फिर से सीनियर्स के चरणों में प्रणाम, जूनियर्स को हमेशा की तरह हेलो, और दोस्तों जो मेरे हम उम्र साथी हैं उनके तो कहने ही क्या, आप सबके तो ठाठ हैं ही निराले। परमात्मा करे कि जो खुशियां आज आप सब की वजह से मुझे मिली हैं, आगे भी आप लोगों की ज़िंदगी में, हम फिजियोथेरेपिस्ट की ज़िंदगी में, इंडियन फिजियोथेरेपी कम्युनिटी में, वो खुशियाँ हमेशा यूँ ही बरकरार रहें,
और हम इस विशाल परिवार का सदस्य बन के आगे तक ऐसे ही चलते रहें। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि रात ज़्यादा हो चुकी है, ज़्यादा समय नहीं लूँगा आप लोगों का, एक बार धन्यवाद कहना चाहता हूँ, और स्पेशली थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, क्योंकि आज मैं जो हूँ आपकी वजह से हूँ। मुझे बनाने वाले भी आप हैं, मुझे बनाए रखने वाले भी आप हैं। तो बस यूं ही अपना प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।